इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर बिहार से, जहां चिमनी ब्लास्ट में 7 की मौत, हादसे में कई लोग घायल हुए, हॉस्पिटल में घायलों को भर्ती कराया गया है। एएसपी रक्सौल और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद, एसडीआरएफ की टीम कर रही रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा। रामगढ़वा थाना के नरगिर क्षेत्र का मामला है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां चिमनी ब्लास्ट मामले में 7 लोगों की मौत हो गई है, हादसे में कई लोग घायल है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी रक्सौल और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चिमनी ब्लास्ट यहां पर हुई है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर लोग भी पहुंच गए हैं, साथ ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है लोगों को बचाने के लिए और देखने के लिए कि कई अन्य लोग घायल ना हुए हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ब्लास्ट हुआ था, बहुत ही ज़्यादा भयानक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे में दुख जताया है, जिन लोगों की मौत हुई है उनको मुआवजा देने की भी बात कही है। और रामगढ़वा थाने के नरीरगिरी क्षेत्र का ये मामला है, जहाँ चिमनी ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया है देखने के लिए कि क्या स्थिति है, साथ ही लोगों का जमावाड़ा भी यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे